अस्सलामुअलैकुम नासरीन, AWC एग्री के साथ मैं हूँ मोहम्मद इमरान जाफिर। नासरीन, आज आपके लिए एक बहुत मुफीद और मालूमाती वीडियो लेकर आए हैं और ये वीडियो है मक्स पानी से मुतल्लिक, यानी कि शहद की मक्खियों को पालना और उसे मुनाफा का कैसे कमाया जा सकता है। आज हम चोलिस्तान के किनारे अहमदपुर शर्किया के नज़दीक एक जगह पर मौजूद हैं, जहाँ पर हमारे खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त रहमत अली ने यहाँ पर एक मक्स पानी का फार्म बनाया हुआ है और इनका ताल्लुक सवात कलाम से है। और यहाँ पर ये चूँकि सरसों की फसल है और उस फसल के से मक्खियाँ रस चूसकर फूलों का शहद बनाती हैं और उसको ये अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आज हम इस फार्म में जाएंगे और इस फार्म को बनाने का तरीका भी जानेंगे और असली नकली शहद की पहचान भी, और शहद का ये जो मक्स पानी है ये कैसे की जाए ये रहमत अली हमें बताएंगे। लेकिन उससे कबल, इस फार्म में जाने से कबल एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हैं। कुछ एहतियाती इक्विपमेंट रहमत अली साहब ने हमें प्रोवाइड किया है और बाकी कुछ हमने डर के मारे जो है ना एहतियातें अपनाई हैं। इन्होंने ये मुझे एक मुंह पे चढ़ाने के लिए एक कवर, जैसा कि इन्होंने खुद भी अपने मुँह पर चढ़ा रखा है, हिफाजत के लिए ये दिया है ताकि मक्खियाँ चेहरे पर गर्दन पर ना काट सकें, और उस मक्खियों की कंडीशन देखते हुए उनसे डर कर ग्लव्स मैंने खुद ले लिए हैं। तो अभी मैं आपके सामने ये तैयारी करूंगा मैं इस फॉर्म में जाने की। जी नाजरीन, हमने सेफ्टी प्रिकॉशंस पर अमल कर लिया है, अपने आप को कदरे मक्खियों से महफूज कर लिया है। उसके बावजूद भी अगर ये काटती हैं तो फिर इनकी मर्जी है। तो अब हम बाकायदा जो जिस टॉपिक पे हमने रहमत अली साहब से गुफ्तगू करनी है उसके हवाले से बात शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रहमत अली साहब, आपने कलाम सवाद से यहाँ आकर ये मक्स पानी का फार्म बनाया है, शहद की मक्खियों का फार्म बनाया है, तो यहाँ पर आने की कोई ख़ास वजह है? जी, ये तो मक्खी है ना, ये इसको पालने के लिए बहुत किस्म की जगह घूमना फिरता है। ये ऐसा एक चीज़ है कि इसको आसमान के पीछे घुमाना फिरता है, क्योंकि आसमान जिधर मौसम सही होगा उधर इसको लेके जाना है। बाकी दूसरा ये कि हमने इसको इधर सरसों का जो फूल है उसके लिए इधर लाया है। सरसों का फूल में इनका ये होता है कि बच्चा ज़्यादा होता है। ये जो सरसों का फूल है इससे एक तो ये रस लाती है, दूसरा ये कि सुबह के टाइम में ये गर्द लाते हैं, वो गर्द भी इनका इस्तेमाल में आ जाता है, और जो रस लाती है वो रस भी इनका इस्तेमाल में आ जाता है। तो इसी वजह से हम इधर आया है, ये बावलपुर अहमदपुर शिरकिया के करीब है, तो इधर हम आए हैं मक्खी पालने के लिए। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पर आपने ये जो फार्म आपका है इसमें कितने ये शहद के बॉक्सेस जो रखे हुए हैं ये कितने हैं? ये इसी जगह पे तो तकरीबन है 200 तक है, 200 तक मेरा जो अपना है 200 बॉक्स है। तो ये बॉक्स का सेटअप अंदर से कैसे होता है ये आप हमें दिखाएंगे? तो ये बॉक्स का सिस्टम जो है ना, ये अंदर में ये मक्खी का जो अपना फ्रेम होता है उसकी वजह से मक्खी का जो नफरी है उसके मुताबिक रख देते हैं। अगर मक्खी ज़्यादा है तो उसको 7-8 फ्रेम रख देते हैं, अगर मक्खी कम है तो इसको इसी तरह 2 रखते हैं, 3 रखते हैं। तो मक्खी वो जो नफरी होता है उसका मुताबिक हमने उनको फ्रेम आगे करना है। बाकी बॉक्स में सारा जो फ्रेम होता है वो 10 होता है। तो अभी आपको चिक्कर ला दे देते हैं। इसमें कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 फ्रेम है। 10 फ्रेम। अच्छा, आपने बॉक्स अभी खोला है तो ये कोई धुआं दिया है, इसका क्या मकसद है? ये धुआं इस वजह से दे दिया है कि ये धुआं की वजह से ये अभी नहीं लड़ते हैं, ये अभी डर गए कि बस अपना चिकन वाला आ गया है। ये एक किस्म का उनका निशानी भी है कि यार हमें कोई चिक करने के लिए आया, अपना बंदा है। सही। तो इसी वजह से ये अभी नहीं काटेगा इतना।
तो इनमें कोई मलका भी होती है जो इनको कमांड एंड कंट्रोल करती है? आपने बताया कि इनकी मक्खियों की अपनी जनाना हुकूमत होती है। वही है ना, इस एक बॉक्स में होता है एक मलका, वो इस निज़ाम को, सारा निज़ाम को वही संभालती है। अगर उसमें से एक दूसरा निकल गया है तो फिर ये एक दो ग्रुप बन जाते हैं। वो एक ग्रुप अपने साथ में लेके जाते हैं बाहर, कहीं दरख्त पे बैठ गया है या किसी और ऊंची जगह पे बैठ गया है, तो फिर हमने उनको फिर वो क्या बोलते हैं, रजामंदी करके उनको ला के दूसरे बॉक्स में फिर डालना है। तो हर एक बॉक्स का अपना एक जिम्मेदार होता है, वो उनको संभाल देते हैं। वो मलका जो है वो औरत भी है, लेकिन उसका काम ये अंडा डालना और इनको संभालना। हाँ, इसमें दिखाइएगा हमें कौन सी मलका है। और अभी ये जो है ना, ये सारा शहद है, तो ये इसमें अभी मलका हमको नजर नहीं आएगा क्योंकि ये शहद वाला फ्रेम है। जो मलका होता है तो वो अंडे वाला जो फ्रेम नहीं है उसी में होता है। अभी जो ये निशानी इन्होंने लगाया है, ये जो निशानी है, इसका मतलब ये है कि इसने आगे और फ्रेम इसी तरह इसने लेना है। सही, इसको जरूरत है एक फ्रेम का, तो वही फ्रेम इसको फिर देने के लिए इसने ये निशानी हमको लगाया है। तो अभी आगे मलका देखना है कौन से फ्रेम में वो घूमेगा, कौन से किधर होगा, तो हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है ना दादे, ये इनका जो है मलका है। अभी इसी खानों में इसने अंडा डालना है। ये देखो अभी अंडे के लिए आया है, अंडा डाल रहे हैं अभी। तो मलका का काम अंडे देना है, सिर्फ अंडे देना है और इनका तो सारा कंट्रोल करना, निज़ाम सारा कंट्रोल कर। ये अभी इधर से पेटी से निकालेगा तो इनका जो निज़ाम है ये सारा दरहम बरहम हो जाएगा। तो ये मक्खियाँ जो हैं ये आपने कहाँ से मंगवाई हैं? ये तो हमने इधर अपना पाकिस्तान से लिए, लेकिन जो जिसने इब्तिदा सबसे पहले किया है उसने किसी बाहरी ममालिक से लाया होगा ना। यानी कि अब इस वक्त इनकी यहाँ पे अफजाइश नस्ल पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन इससे कबल ये मुख्तलिफ मुल्कों से ये मक्खियाँ मंगवाई गई? मुख्तलिफ मुल्कों से ये लाया है, तो अभी नफरी इधर ज्यादा हो गया है। अभी हम जो जिसको दे रहे हैं वो बेचारा भी पाकिस्तान में ले रहे हैं और हमने जिससे लिए वो भी पाकिस्तान में लिए है। तो आपके पास इनकी नस्ल बढ़ती है? हाँ, ये तो नस्ल बढ़ती है ना, नस्ल जब नस्ल बढ़ती है तो फिर आप आगे फरोख्त भी करते हैं मक्खियाँ? आप फरोख भी करते हैं और अपने पास ज्यादा भी कर देते हैं। अभी वो जो सामने सारा पेटी खाली नजर आ रहा है ना, तो वो पेटी फिर हमने वो बच्चों से जो नस्ल ज्यादा होते हैं उससे भरना है। अभी मसलन ये है कि 200 पेटी है, इस 200 पेटी से मसलन 50 बढ़ गया है तो मेरा 250 बन जाएगा। तो ये अभी पेटी जो भर रहे हैं, ये देखो अभी जब पेटी भरेगा तो इनसे दो बच्चा तीन बच्चा लेगा, तो खाली पेटी में हम रखेगा, फिर इसी तरह नस्ल बढ़ता जाता है। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो एक बॉक्स है ये कितनी मालियत में तैयार होता है? यानी कि एक बॉक्स है, खरीदने का जो रेट होता है वो तकरीबन 4,000-5,000 का हो गया है। इसी तरह इसका जो मोम का ये जो शीट है, इसके अंदर जो सीम लगा होता है, कील लगा होता है, ये जो है ये भी लकड़ी, ये इसको चुकाट बोलते हैं, तो ये सारा तकरीबन ये 300-400 का ये एक बनता है, एक फ्रेम बनता है। इसके ऊपर फिर हमारा खर्च हो गया, इधर मजदूर का खर्च हो गया, तो ये सब कुछ हिसाब करो 500 का ये एक फिर फ्रेम बन जाता है। एक बॉक्स में कितने फ्रेम होते हैं? एक बॉक्स में होता है 10 फ्रेम। सही। अच्छा ये बताएं कि कम से कम कितनी लागत से ये फार्म का आगाज किया जा सकता है, कितने बॉक्स रख के? देखो अगर किसी के साथ मुश्तरक में काम करना हो तो फिर आपने 10-20 पेटी से भी काम स्टार्ट करना होता है। अगर आपके अपना ताकत है तो 100-200 से भी कर सकते हैं, लेकिन वो 100-200 ऐसा होता है कि उसके ऊपर फिर अगर आपने 6-7 लाख भी ले लिया है तो 2-3 लाख उसके लिए फिर रखना भी पड़ता है कि यार इसके ऊपर अभी खर्च भी करना है, मजदूर भी रखना है, तो इसको किसी जगह शिप करना है। इनका भी कोई मौसम का पता नहीं होता है, अगर मौसम इनके ऊपर ठंडा आ गया या बारिश लग गया तो इनको फिर खुराक देना पड़ता है, क्योंकि अगर इनको खुराक नहीं देगा ये बच्चा है ये सारा मर जाएगा और भाग जाएगा, फिर ये पेटी सारा खाली हो जाएगा। यानी कि इन शहद की मक्खियों को भी अपने बच्चों की तरह, औलाद की तरह पालना पड़ता है, बहुत प्यार से ख्याल रखना पड़ता है। हाँ, जाहिर बात है इनको ये बहुत इनका ख्याल रखती हैं,
तो खुराक जब कम होता है तो फिर ये मालिक इनको दे देता है। इसी तरह इनके अंदर बीमारियां होती है, उसका ख्याल रखना पड़ता है, इंजेक्शन होता है। इसी तरह मतलब शहद की मक्खी को इंजेक्शन लगता है? शहद के मक्खी के अंदर जो इंजेक्शन लगता है ना, वो सबसे ज्यादा इंजेक्शन इधर इधर लगता है। वो ये नहीं है कि हमने वो सुई रखा हुआ है, लेकिन वो इंजेक्शन जो है ना, वो इस तरह पाउडर है, पाउडर में डाल के मिक्स करके फिर इधर लगा लेते हैं। अभी देखो सामने, ये देखो, ये हमने अभी पाउडर अच्छा, ये लगाया है, पाउडर डाला है? ये बिल्कुल पाउडर डाला है, तो ये पाउडर इनके परे के ऊपर, इनके जिस्म के ऊपर लग जाए, फिर इनका बीमारी खत्म हो जाता है। हाँ सही है सर। अच्छा, मैं ये समझा था कि आज तक तो यही सुना कि शहद की मक्खियां इंजेक्शन लगाती हैं, तो आपने एक नई चीज बताई कि शहद की मक्खियों को इंजेक्शन लगते हैं। मैं समझा शायद शहद की मक्खी को पकड़ के उसे डॉक्टर टीका लगाता होगा। नहीं, ये देखो ज्यादातर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, एम्पिक्लास हो गया, साइरोमाइसिन, ये पाउडर हो गया, ये ज्यादा हम इसको इस्तेमाल कर देते हैं। बीमारी किस टाइप की इन्हें होती है, क्या बीमारी हो जाती है? ये बीमारी इस, ये देखो, ये जो अभी सामने वो नजर आ रहे हैं ना, वो एक जा रही है, देखो इसको अभी बीमारी लगे हुए हैं, ये जो अभी जा रहे हैं, देखो ये एक घूम रही है, हाँ जी, उड़ नहीं इसको पा रहे। उसको बीमारी लगा है। बीमारी ये होता है कि इनका जो पर होता है ना, जो हवा में उड़ने वाला जो पर है, इसको अभी अंदर में एक वो चीज होता है जिसको हम जुआ कहते हैं, तो उसने खाया है इसको, तो अभी ये बेचारा उड़ नहीं सकता है। सही सही ये अभी जमीन पे बस घूमते रहते हैं, क्या पता है इधर कोई चवेंटी इसको पकड़ लेगा, बस ये खत्म हो गया। अब अच्छा, मलका के अलावा एक बॉक्स के अंदर और कौन कौन सी जिम्मेदार मक्खियां होती हैं? जैसे आपने बताया कि कोई मक्खियां ऐसी भी हैं जो पहरा देती हैं, कुछ मौसम को जांच करती हैं। इसमें देखो गेट के बाहर जो है ना, गेट ये सामने जो नजर आ रहे हैं, ये गेट है। इस गेट के यानी दाएं बाएं साइड पे दो दो यानी चार हो गया, चार इसका पहरेदार होता है, वो इसका चेकअप करते हैं कि ऐसा ना हो कि बाहर से किसी खराब फूल से इसने रस लाया है, तो उसके वजह से अंदर में कोई नुकसान बन जाए। और इसी तरह वो बाहर वाला जो दूसरा पेटी वाला है, दूसरा बॉक्स वाला मक्खी है, ये तो नहीं आया है, उसका उनका ड्यूटी यही है, दिन वाला अपना होता है, रात वाला अपना होता है, उनका ड्यूटी ये है कि बाहर वाला मक्खी को भी वो नहीं छोड़ते हैं, और जो मक्खी जिससे जिधर खराब रस होगा, जिससे इनको नुकसान पहुंचता है, उसको भी अंदर जाने नहीं देते हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि एक फार्म मतलब 200 बॉक्स का भी हो सकता है, 200 बॉक्स का एक फार्म हो तो उस पर कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट हो जाती है और उससे मुनाफा कितना कमाया जा सकता है एक साल में? अभी देखो मुख्तलिफ किस्म का साल आ जाता है ना, कभी साल ऐसा आ जाता है कमज़ोर आ जाता है, वो आपकी कमज़ोरी की वजह से भी होता है, आपने इनके ऊपर खर्च नहीं किया, साल आ गया है, फिर सीज़न लग गया है, तो सीज़न थोड़ा सा कमज़ोर आ गया है। शहद है, एक फार्म अभी 200 पेटी का है, इसने 30 केन बनाना है, 30 केन से तकरीबन 10-12 लाख बन जाता है, तो आपने इनके ऊपर खर्च नहीं किया, तो वो आ गया है 20 केन तक, तो 20 केन का जो है वो जो आप बेचेगा, वो तो उनका अपना जो खरीद का पैसा है, उनके ऊपर जो लगा हुआ है, वो आपको अपना पैसे उसने वापस कर दिया है, इनके बेचारों का तो गुनाह नहीं है, लेकिन वो अपने कमजोरी की वजह से होता है। कभी कभार आदमी एक साल कमाए, यानी मसलन 15 लाख कमाए, और उसी 15 लाख से फिर अपना कोई और रोजगार करते हैं और इसको भूल जाते हैं, तो इसी वजह से वो फिर फंस जाता है। मतलब ये काम मुकम्मल तवज्जा चाहता है और इस पे जो है आप जितनी इन्वेस्टमेंट करें आपके पास बैकअप में भी कुछ रकम होनी चाहिए ताकि आप कुछ भी मौसमी हालात या किसी भी वजह से या बीमारी की वजह से आप इनको बेहतर अंदाज में लुक आफ्टर कर सकें। अच्छा, ये बताएं कि शहद की कितनी अकसाम है और सबसे अच्छा शहद कौन सा होता है? शहद के मुख्तलिफ अकसाम है, देखो अभी सरसों का अलग है, शिठाले का अलग है, फुलाई वाला अलग है, बेरी का अलग है, सबसे जो कमज़ोर क्वालिटी है वो मेरे ख्याल में ये सरसों वाला है, क्योंकि ये जम जाता है सर्दियों में, ये जम जाता है, फिर बाज़ी अवकात ऐसा आदमी लेके अपने घर में रखेगा, आगे सर्दी आ गया, फिर वो आगे आदमी को गलत समझता है कि यार उसने 2 नंबरी किया, लेकिन वो 2 नंबरी नहीं होता है, 2 नंबरी नहीं होता, लेकिन वो कमज़ोर क्वालिटी का होता है। अभी बेरी का जो पहला कट है वो भी इसी तरह कमज़ोर क्वालिटी है,
लेकिन जो दूसरा कट है इसमें बेरी का सीजन में दो दफा निकालते हैं। कट का मतलब ये है कि पहला जब निकालेगा वो जो होता है वो कमजोर होता है, दूसरी बार जो निकालेगा वो सही ओरिजिनल चीज वो होता है। मैं अगर कोई भाई भी लेना चाहता हो तो वो असल दुकान पे जाए, असल दुकान जो होता है वो पिशावर में होता है, उधर मार्केट है तरना फार्म उसका नाम है, उधर में भी अगर जाएगा उसको बोलो कि यार ओरिजिनल दूसरा कट वाला यानी दूसरे कटाई वाला शहद मुझे दे दो, उधर आपको सही रेट पे भी मिल जाएगा और चीज़ भी अच्छा मिल जाएगा। अभी तो केमिकल भी लोग बेच रहे हैं, हम अभी इधर 2000 से लेके 2500 तक हम किलो बेचते हैं, तो बाजार में कभी कभी वो केमिकल वाला आदमी ऐसा आ जाता है वो भी यही बेरी का 500 में बिक जाता है, फिर हमारा और उसका बहुत फर्क होता है ना, हमने उनको समझाना होता है और वो फिर आगे से नहीं समझते कि यार चलो तुम ज्यादा बोल रहे हैं। अच्छा रहमत अली साहब ये बताइएगा कि जो हमारे जो नासरीन हैं वो ये जानना चाहेंगे कि असल और नकल शहद की शिनाख्त कैसे करें। भाई असल और नस्ल की जो शहद है ना वो तो ज्यादातर जो डीलर लोग है वो समझते हैं, लेकिन उसके बाद हमने जो तजुर्बा किया है नेट में जो देखा है वो ये है कि कागज़ रखो और उसके ऊपर अपना शहद डालो, फिर उसको इस तरह क्रीम की तरह इस तरह थोड़ा सा लेप कर दे। लेप करेगा अगर वो कागज़ के नीचे यानी कापी वाला जो कागज़ है बारीक जो कागज़ है जो लिखने वाला कागज़ उसके ऊपर अगर आपने लेप किया शहद को, फिर वो अगर नीचे से निकल गया तो फिर ये समझो कि यार इसके अंदर चीनी है या इसमें थोड़ा सा कमज़ोर शहद डाला है, वो फिर कागज़ के ऊपर नीचे से निकल जाएगा। अगर कागज़ के नीचे से नहीं निकला तो फिर ये आप समझो कि यार ये शहद सही है, लेकिन इसमें भी फिर ये होता है कि कमज़ोर क्वालिटी वाला भी होता है और अच्छा क्वालिटी वाला भी होता है। अभी ये सरसों का जो शहद है ये भी शहद है, असली शहद है, क्योंकि इसमें मिलावट नहीं किया, चीनी नहीं डाला, कोई और चीज़ नहीं डाला, लेकिन शहद तो नाम तो शहद है ना, लेकिन क्वालिटी है इसका कमज़ोर। बहुत शुक्रिया रहमत अली साहब, इनका ताल्लुक मैंगोरा सवात से है, इन्होंने बहुत अच्छी मालूमात दी और इस मालूमात की रोशनी में हमने ये जाना कि मक्स पानी एक बहुत अच्छा शोबा है और शहद जो बायस शिफा भी है और अल्लाह ताला ने कलाम पाक में इसका मुतद्दद बार तस्करा भी किया है, और इस शोबे को अगर आप कमर्शियल बुनियादों पर अपनाते हैं, आप एक ज़रई फार्म और ख़ास तौर पर जो हमारे पंजाब के लोग हैं यहाँ पे फसलात भी हैं, यहाँ पे बेरियाँ भी हैं और यहाँ पे फूल भी काश्त किए जाते हैं, ऐसी जगहों पे एक साइड बिजनेस के तौर पर मक्सबानी का जो है ये काम भी किया जा सकता है जो कि एक बहुत मुनाफा बख्श काम है। मगर हर काम की तरह ये काम मेहनत भी मांगता है, तवज्जा भी मांगता है, तो तब इसमें वाफिर मकदार में आप रिस्क हलाल भी हासिल कर सकते हैं। तो मज़ीद ऐसी मुफीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए जुड़े रहिए AWC एग्री के साथ, और अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफिर को मक्सबानी के इस फार्म से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगेबान।